पिछले एपिसोड में ये सभी लोग वेकेशन बना के घर आ चुके थे, लेकिन अपना प्रोटैगनिस्ट काओशी काफी सैड और उदास रहने लगा। फ्रे ये बात समझ जाती है तो फ्रे उसके साथ एक कॉस्प्ले स्टूडियो जाती है। कॉस्प्ले स्टूडियो जाते ही वो उसके साथ एक इसगाई कॉस्प्ले में पार्टिसिपेट करती है, जहाँ काओशी उसको अपनी सारी बातें बताता है कि वो समझ नहीं पा रहा कि मिस अथीना के लिए वो एक भाई है, वो एक प्रोटेक्टर है, वो एक बच्चा है या वो एक आदमी है। जहाँ फ्रे बताती है कि रियलिटी में तुम एक मर्द हो जो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये होने वाला है मदर ऑफ द गॉडेस डोमेट्री का एपिसोड नंबर 7। तो अगर आप लोगों ने इसके एक्सप्लेन वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी एक बार चेकआउट जरूर करना। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर, जहां शुरुआत में ही हमें एक फेस्टिवल दिखाया जाता है। तो बेसिकली ये 45th साइकिन फेस्टिवल है। मेनली बोलूं तो वो वुमेन्स कॉलेज का एक एनुअल डे था, या तो मेल अभी कह सकते हो, जहां स्टुआ और काओशी पहुंचे हुए थे। एंड वो दोनों देख के काफी हैरान थे कि ये मेला कितना बड़ा है और काफी सारे लोग हैं यहाँ। तभी अपनी फ्रे प्रोटैगनिस्ट की तरफ भागती हुई आती है, जिसे देख अपना प्रोटैगनिस्ट कहता है कि आपने ये क्या पहना है। फ्रे वहीं उसको कहती है कि मैंने ये एनुअल यूनिफॉर्म पहनी है एंड ये यूनिफॉर्म फैशन क्लब मेंबर्स की है और मैं उस क्लब की वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। जहाँ फ्रे उन दोनों कहती है कि आओ अब मेरे साथ चलो, तुम्हें थोड़ा टूर करवा दूं। तभी फ्रे स्टुआ को पकड़ काफी प्यार करती है। दूसरी तरफ अपना प्रोटैगनिस्ट आसपास का सीन देखता है एंड सोचता है कि अच्छा है, यहाँ पे कोई मुझे पहचानेगा नहीं जब मैं पिछली बार यहाँ लड़की बन के आया। ये सभी लोग फिर एक छोटे से कैंप में जाते हैं, जहाँ पे फ्रे इनको धक्का दे वहाँ गिरा देती है। जहाँ पे एक जादूगरनी थी जिसके सामने काफी सारी चीजें थी, वो इन सभी का स्वागत करती है। वो उन्हें देख कहता है कि मिस मुनेरू, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुनेरू बताती है कि वो अपने कुछ सीरम्स यहाँ बेच रही है ताकि वो थोड़ा पैसा कमा पाए। टुआ कहती है कि क्या आप ये बेच रहे हैं, ये एकदम सेफ है? प्रोटैगनिस्ट भी कहता है कि ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल है, क्या इनको स्कूल में लाना सही है? मुनेरू कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये काफी ज्यादा इलीगल है। जहाँ बेसिकली बॉटलों को भी डिस्क्राइब कर रही थी कि ये हॉर्नी बॉटल है, ये काफी हंग्री बॉटल है। तभी वहाँ कुछ वॉलंटियर्स आते हैं, जिन्हें देख मुनेरू अपना सामान पैक कर भाग जाती है। और भागने से पहले उसकी दो बॉटलें नीचे गिर जाती हैं, जिसमें से एक प्रोटैगनिस्ट के बैग के अंदर गिर गई थी। तभी फ्रे उनको एक रूम ले आती है, जहाँ कहती है कि सेरिना ने भी किसी चीज में पार्टिसिपेट किया है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या उन्होंने कोई ड्रेस पहनी है या वो किसी प्ले रोल में पार्टिसिपेट कर रही है। फ्रे कहती है कि वो तो तुम खुद ही देखो। जहाँ जैसी दरवाजा खुलता है, एक तेज रोशनी आती है, हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि सबके साथ एक मीटिंग में थी, जहाँ वो लोग कहते हैं कि वो लोग एक ऑकर्ट रिसर्च सोसाइटी से हैं एंड हम लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है, इन्वेस्टिगेशन भी करी है एक ऐसे जीव के ऊपर जो कि हमारे कॉलेज में है काफी सालों से। जहाँ वो लोग बात करते हैं सेरिना के बारे में, सेरिना की फोटो भी थी जिसे देख काओशी एंड स्टुआ काफी शौक थे। मेंबर्स बात करते हैं कि सेरिना एक अर्बन लेजेंड बन चुकी है, इसका मिलना एक ओमन जैसा है कॉलेज में। तभी वहाँ एक अननोन लड़की आती है जो सभी को बताती है कि हमें सेरिना मिल गई। फ्रे काफी डर जाती है एंड कहती है कि ओ नो, ये सेरिना को पकड़ने वाले हैं। प्रोटैगनिस्ट कहते हैं कि नहीं, हम सभी लोग ऐसा नहीं होने देंगे, और वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही प्रोटैगनिस्ट देखता है कि चारों तरफ एक पिंक गैस फैली हुई है एंड तुम सभी लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ऑर्जी चल रहा है भाई, और तुम लोग खुद ही स्क्रीन में फोटोज देख ही सकते हो कैसी कैसी है। जहाँ पे यार तुम सभी को पता ही होगा कि किसका काम है। जो प्रेसिडेंट थी वो थोड़ा सोच में होती है कि सेरिना कहाँ गई। प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता है, तभी उसके हाथ में एक बॉटल आती है जिसमें हॉर्नी पिल्स लिखी हुई थी एंड तभी समझ आता है कि वो मिस मुनेरू का काम है। जहाँ में दिखाया जाता है कि उन्होंने जो एक बॉटल गिराई थी वो यहाँ पड़ी है। तभी प्रेसिडेंट अपने प्रोटैगनिस्ट को देखती है एंड उसको घूर के कहती है कि तुम्हें कहीं देखा है मैंने, और प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि ये वही लड़की तो नहीं है जिसने उस टाइम उसको देखा था। तभी फ्रे आती है एंड अपने प्रोटैगनिस्ट को वो येल्लो बाल पहना देती है। ये देख प्रोटैगनिस्ट थोड़ा सा शर्माता और कहते है कि आपने ये क्यों किया। दूसरी तरफ वो देख पा रहा था कि उसकी तरफ भी पिंक गैस आ चुका है। सारी लड़कियां फिर उसको देख काफी खुश होती है एंड एक एक कर सभी उसके ऊपर ही कूद जाती है। एंड तुम लोग खुद ही देख सकते हो कितने हसीन नजारे चल रहे हैं यहाँ पे। एंड इमेजिन करो भाई, तुम्हारे साथ ये हो तो तुम क्या करोगे, कॉमेंट्स में जरूर बताना। वहीं स्टुआ भी सबको कहती है कि तुम सभी लोग उससे हाथ दूर रखो। वो लोग स्टुआ को देखते हैं, देखते हैं कि वो कितनी ज्यादा एडोरेबल है एंड उसके ऊपर भी जंप कर जाते हैं, और फिर तुम समझ ही सकते हो उसके साथ भी वही करते हैं। एंड जो प्रेसिडेंट थी उसने भी अपने प्रोटैगनिस्ट को पकड़ लिया था एंड वो उसको आधा नंगा कर चुकी थी। प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है कि कोई मुझे बचाओ। तभी सेरिना आती है और भाई वो काले बादल ही आई थी। काले बादल आते ही वो अपनी मून टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है, जहाँ पे चारों तरफ एक व्हाइट लाइट आती है एंड पूरा का पूरा पिंक गैस गायब हो जाता है वहां से। सारी लड़कियां बैक टू नॉर्मल थी और उनको समझ नहीं आता कि वो लोग क्या कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट सेरिना को देखता है जो कि जमीन पे बेहोश पड़ी थी। जहाँ कहती है ज्यादा लूनर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से उसकी बॉडी काफी थक चुकी है। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट एंड सेरिना दिखाए जाते हैं, जहाँ काओशी कहता है, जहाँ वो सेरिना को थैंक यू कहता है एंड साथ ही साथ कहता है कि फ्रे एंड स्टुआ आपके लिए स्नैक्स लाने गए हैं ताकि आपकी ताकत वापिस आए। सेरिना कहती है कि लूनर ताकतें तब रिजनरेट होती हैं जब सर्वेंट एंड मास्टर एक साथ एक फिजिकल कॉन्टेक्ट करें। प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पाता है, जहाँ सेरिना डायरेक्टली कहती है जैसे कि केसेस। ये देख प्रोटैगनिस्ट समझ चुका था।
बताया कि उसने रात को जो फील किया था वो कन्फर्म यही थी एंड इन्होंने ही इसको किस किया था। जहाँ फिर सरीना उसको देख कहती है कि तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे इकलौते सर्वेंट नहीं हो, जितनी भी लड़कियां हैं वो सभी मेरी सर्वेंट बन रखी हैं। एंड ये बोल अपनी सरीना प्रोटैगनिस्ट को किस करने ही वाली थी, तभी माफ्रे उसके लिए एक स्नैक लाती है जो उसको यूनिवर्स की तरह दिखता है एंड सरीना उसके ऊपर कूद पड़ती है। अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों के तीनों कहीं जा रहे थे। ये जहाँ जाते हैं वहाँ के बारे में फ्रे बताती है कि वो अथीना का एक कैफे है। ये सुन प्रोटैगनिस्ट काफी हैरान था एंड वो एक्साइटेड भी था उस चीज के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपनी अथीना काफी नर्वस थी, बिकॉज तुम्हें पता ही होगा उसको बॉयज को देख के काफी प्रॉब्लम आती है। एंड ये जो इन्होंने कैफे खोला है ना यार, ये जापान में काफी जगह होते हैं जहाँ पे मेड काफी प्यार से ट्रीट करती है, मानो कि वो जो मेड है तुम उसके मास्टर हो। अब स्टोरी पे पढ़ते हैं जहाँ जैसे ही अथीना बाहर निकलती है वो देखती है कि प्रोटैगनिस्ट टुआ एंड फ्रे आ चुके हैं। उनको देख वो काफी नर्वस हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग टेबल पे बैठते हैं। काओशी काफी हैरान था बिकॉज वो पहली बार किसी मेड कैफे में आया है। टुआ मेड ड्रेसेस को देख के काफी अट्रैक्ट हो चुकी थी, जहाँ फ्रे उसको घूरती है। तभी अथीना उनका ऑर्डर लेके आती है, वो काफी नर्वस थी एंड उस चक्कर में वो खाना गिरा देती है। जहाँ खाना तो स्टुआ कैच कर लेती है लेकिन अपने प्रोटैगनिस्ट का मुंह तुम समझ ही जाओ कहाँ लग जाता है। तभी अथीना अपनी स्टुआ को थैंक यू कहती है कि उसने सारी चीजें बचा ली। दूसरी तरफ जैसे ही अथीना दो लोगों का ऑर्डर लेके आती है, वो दो लड़के उससे कहते हैं कि तुम फ्री हो हमारे साथ कहीं चलोगी। प्रोटैगनिस्ट जैसे खड़ा होकर के अथीना को बचाने जाता है, फ्री उसको रोकती है। फ्री उसको कहती है कि कुछ सिचुएशंस में अथीना को खुद हैंडल करना होगा। जहां वो बात करते हैं कि अथीना पूरी मेहनत कर रही है ताकि वो अपनी मेल इंटरेक्शन को बना सके। वहीं कैफे के पीछे अथीना की दोस्त उसको अप्रिशिएट करती है कि उसने काफी अच्छा काम किया। अथीना कहती है कि मैं पहले कभी किसी लड़के के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, आज तक मैंने बस काओशी के साथ ही इंटरेक्ट किया है। वो दोनों ही फिर काओशी को देखते हैं, जहां लड़की कहती है कि अच्छा वो है तुम्हारा क्यूट लिटिल बॉयफ्रेंड। अथीना उसको समझाती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है। लड़की ये सुन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम उसके साथ थोड़ा घूम सकती हो। अथीना कहती है कि यहाँ पे वर्कर्स की कमी नहीं पड़ेगी। तभी फ्रे जो है आती है एंड कहती है कि उसकी चिंता मत करो, जहाँ उसके पास एक बोरी थी एंड बोरी में कोई था। जैसे ही फ्रे बोरी हटाती है वो लोग देख पा रहे थे कि स्टुआ मेड की ड्रेस में है। तभी वहाँ काओशी आता है एंड काओशी को देख के फ्रे अथीना को धक्का देती है, जहाँ चाहती थी कि वो दोनों कहीं घूमने जाएं। रास्ते में जाते हुए अथीना उसको कहती है कि मुझे शायद आउटफिट चेंज करना चाहिए। काओशी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मेड का ड्रेस भी एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे वैसे भी बहुत लोगों ने अपने अपनी ड्रेस पहनी है। तभी हमें एक क्रॉस ड्रेसिंग शो दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की कुछ फाइनलिस्ट को दिखाती है। काओशी एंड अथीना ये दोनों ही इस शो को देखते हैं, जहाँ लोग देख पा रहे हैं कि क्रिया ने भी पार्टिसिपेशन किया है एंड वो एज अ जज उस कॉम्पिटिशन में इन्वॉल्व है। जहाँ पे हर कोई क्रिया को चैंट करता है, वही अथीना को भी क्रिया को देख प्यार हो जाता है। ज्यादा लोगों की वजह से अपने काओशी को काफी गर्मी लगती है, तो वो अपने बैग से निकाल एक बॉटल पी लेता है। जब वो रियलाइज करता है कि ये तो वो चीज है ही नहीं जिसको पीनी थी, वो उसको ध्यान से देखता है एंड शॉक था कि उसने ये क्या पी लिया। वो जब देखता है कि उसने एक बॉटल या सीरम पी लिया है, जिसका मतलब है कि तुम अपने असली कलर दिखाओ, एंड समझ चुका था कि ये काम से वह सिर्फ मिस मुने रुका है। वही हमें बैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपनी क्रिया उन दोनों को थैंक यू कहती है कि वो लोग यहाँ पे इसको सपोर्ट करने आए। काओशी से क्रिया पूछती है कि मैं कैसी लग रही थी, लेकिन अपना काओशी रिप्लाई नहीं देता है क्योंकि उसने सीरम पी रखा है। तभी क्रिया उनको 3 मेज हंटर की टिकट्स देती है, जहाँ अथीना कहती है कि मैं ये ले लेती लेकिन मुझे अब कैफे भी जाना है। और सीरम का असर अपने प्रोटैगनिस्ट पे हो जाता है एंड ये सब देख के प्रोटैगनिस्ट को लालच आ चुका था, जहाँ वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे भी जाना है। उसकी एक्साइटमेंट देख ये तीनों ही रेडी हो जाते हैं एंड वहां चले जाते हैं, जहाँ अपना प्रोटैगनिस्ट काफी जोश में था, उसके अंदर फुल ऑन आग लगी हुई थी एंड वो रेडी था चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो वो लोग बेसिकली यार एक भूतिया घर गए थे, जहाँ पे अंदर घुसते काफी सारे भूत उन लोगों को मिलते हैं एंड वो लोग काफी डर चुके थे। काओशी भूतों को मारता है एंड उन दोनों को कहता है कि आप दोनों मेरे साथ रहिए, मैं आप लोगों को बचाऊंगा। वो एकदम फुल ऑन हाई एनर्जी था, काफी एनर्जेटिक लग रहा था वो, और उसको देख करके वो दोनों लड़कियां शॉक थी। वो दोनों ही बात करती हैं कि अब अपनी उम्र जैसी बात कर रहा है, पक्का कुछ ना कुछ तो हुआ है। जहां उन लोगों को पहले ये तो लग रहा था कि पक्का फेस्टिवल है इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है, वरना उनको लगता है कि अपना काओशी काफी खुश है। जहां उसको देख वो भी काफी खुश थे एंड वो सोचते हैं कि काश उनको काओशी की ये साइड डेली देखने को मिले। तभी क्रिया एंड अथीना दोनों ही अपने काओशी का हाथ पकड़ कहते हैं कि चलो अब हम तीनों के तीनों अपनी मेहनत से इस लाइन को क्रॉस करेंगे। तभी वहां लाइट चली आती है, लाइट जाते ही दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं एंड अपने प्रोटैगनिस्ट के साथ नीचे गिर जाती हैं। लाइट खोलते ही भाई तुम लोग देख ही सकते हो कि वो लोग किस कंडीशन में है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगले सीन हम लोग देख सकते हैं कि प्रोटैगनिस्ट मिस मुनेरू के पास जाता है, जहां उसने ये दवाई दिखाई। मिस मुनेरू समझ चुकी थी कि इसने ये दवाई कंज्यूम कर ली है, जहां पे उसको बताती है कि कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस। काओशी कहता है कि एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा, मैंने अपनी इमेज कुछ ज्यादा ही खराब कर दी। जहां मुनेरू काफी शॉकिंग बात कहती है और कहती है कि इस दवाई के अंदर सिर्फ पानी था और कुछ भी नहीं था, ये एक डमी मेडिसिन थी और मैं चेक करना चाहती थी कि पाब्लो इफेक्ट का क्या असर होता है। तो पाब्लो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें एक इंसान नकली दवाइयां खाता है अपनी असली दवाई को ठीक करने के लिए। वो ये सोच के
खाते हैं ये दवाई उसको ठीक कर देगी, जबकि इस दवाई का उसकी बीमारी से कुछ लेना देना नहीं है और आखिर में ठीक भी हो जाता है अपनी विल पावर से। ये सुन प्रोटैगनिस्ट काफी शौक था और हैरान था, उसको ये लग रहा था कि इतने टाइम से वो खुद ही की विल पावर से सारे काम कर रहा था और कितना बड़ा बेवकूफ है। दूर से ही उनकी ये सारी बातें फ्रेश सुनती है, जहाँ पे वो क्रिया एंड अपनी एथीना से पूछती है कि तुम्हारा काफी अच्छा वक्त गुजरा है ना। एथीना और क्रिया शर्माने लगती है। वही दूसरी तरफ फ्रे कैफे का सीन देखती है, जहाँ वो लोग देख पा रहे हैं कि स्टुअर्ट दो लोगों को सबक सिखा रही है जो उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहाँ पे सरीना आती है, जिसको पकड़ते हुए प्रेसिडेंट में पीछे आ जाती है। वो लोग एक जगह से दूसरी जगह कूदते हैं, जहाँ पे मुनेरू अपने वही पिंक वाली गैस इफेक्ट छोड़ देती है, जिस वजह से सारी लड़कियां फिर अपनी क्रिया के पीछे पड़ जाती हैं। तो वेल दोस्तों, इसी के साथ मदर ऑफ द गॉडेस के एपिसोड नंबर 7 का हिंदी एक्सप्लेन यही खत्म होता है। कमेंट करके बेस्ट पार्ट बताना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इसके नेक्स्ट एपिसोड नंबर 8 के हिंदी एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, तुम्हें पता है किस तरह के दोस्तों के साथ तुम्हें शेयर करना है, वरना एनिमे ग्रुप्स में तो जरूर शेयर कर ही देना। बाकी इंस्टा पर तो मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, जाओ जाके मुझे फॉलो जरूर करना। वेल तो फिर बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा तुम सभी से एक और नई वीडियो में एक और नए एनिमे एक्सप्लेन के साथ। तब तक लेट छोड़ियो हिंदी, साइनिंग ऑफ, नमस्ते।